फिलहाल अभी हम यहाँ शिखा जी के पास में हैं, आइए उनसे जानते हैं कि आर्ट एंड कल्चर में कैसे यहाँ तक पहुँची, आइए उनसे जानते हैं। मेरा बचपन से ही लाइक हॉबी सब बच्चों का होता है, तो मेरा भी छोटे से ही एक हॉबी था कि मुझे आर्ट करना बहुत पसंद था, स्केचिंग करना, कलरिंग करना, बहुत नॉर्मल जैसे बच्चे आज भी सीखते हैं हर जगह। उसी तरीके से यहाँ मटवारी में मैं क्लासेस करने जाती थी, आई थिंक मैं 6-7 क्लास में होगी या 8-9 में, उस समय से मैंने 5-6 साल कम से कम यहाँ पर सीखा था। उसके बाद IAC करने के बाद, IAC मैं साइंस सब्जेक्ट से कर रही थी, तो मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। हाँ, इंटरेस्ट बहुत था, तो मेरे फ्रेंड सर्कल काफ़ी थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे थे फाइन आर्ट, तो उसने मुझे इसके बारे में बताया, अगर तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छी आर्ट है तो तुम इस फील्ड में भी जा सकती हो, अगर तुम्हें मतलब कुछ अलग करना है। तो मैंने पापा से भी बोला, तो हमारा हुआ कि चलो एंट्रेंस एग्ज़ाम तो देते हैं। तो लखनऊ में एक्चुअली मेरे चाचा, जो हमारे बहुत क्लोज है, मेरे चाचा, मेरी बुआ, सब वहीं रहते हैं, तो हुआ कि दिल्ली ना करके हम लखनऊ से करते हैं। तो लखनऊ में मैंने एंट्रेंस दिया फाइन आर्ट का, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर इन फाइन आर्ट्स में फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉप 10 में नाम आ गया था। फिर भी जनरल की वजह से थोड़ा हमें स्ट्रगल करना पड़ा था कि हम जनरल कैटेगरी थे तो OBC SC ST वालों को पहले एडमिशन्स ले देते हैं, बट पापा ने पूरा वेट किया, हम शाम तक वहाँ वेट किए, तो फाइनली एडमिशन हो गया वहाँ। वो भी दीदी के सपोर्ट से हम सारा पैसा वैसा मतलब सब लेके गए थे अपनी तरह से कि कहीं भी मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, जैसे ही मौका मिलेगा हम तुरंत एंट्रेंस में पैसे वैसे सबमिट करके ड्राफ्ट बनवा करके गए थे। तो ये सारा सिलसिला वहाँ पर तो ख़त्म हो गया। जब मैं वहाँ पहुँची तो सब कुछ बहुत ही नया था, हम उस समय बहुत नया मतलब नॉर्मल चीज़ें करते थे, वहाँ जाके वो सब कुछ बिल्कुल अलग था। पोर्ट्रेट बनाना, वो भी लाइव पोर्ट्रेट बनाना, मॉडल सामने बैठा है उसको देख के आपको स्केचेस बनानी है, लैंडस्केप बनानी है, स्टिल लाइफ बनानी है, स्केचिंग आउटडोर जाके करना है, जो कि एक लड़की, एक तो मैं मतलब हजारीबाग की, ऊपर से वहाँ जा कर के मतलब फ्रेंड सर्कल नहीं बना था, अभी जाना था बाहर, चाचा के घर से डिस्टेंस बहुत था, तो ये सारी चीज़ें में कठिनाइयाँ तो बहुत ही पहले दूसरे साल बहुत ज़्यादा, फिर तीसरे चौथे साल से थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ गए कि हाँ लैंडस्केप करना है तो आउटडोर जाना है, गोमती के किनारे, मतलब वहाँ का वेदर जो बाहर का है उसको हमें अपने उसमें उतारना होता था, क्योंकि हमें सेशनल सबमिट करना होता था हर ईयर। तो इस तरीके से ये चलता रहा, चलता फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर में मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से, मैंने थोड़ा सा कम्फर्ट जोन में आ गए कि हाँ लैंडस्केप करना है तो आउटडोर जाना है, गोमती के किनारे, मतलब वहाँ का वेदर जो बाहर का है उसको हमें अपने उसमें उतारना होता था, क्योंकि हमें सेशनल सबमिट करना होता था हर ईयर। तो इस तरीके से ये चलता रहा, चलता फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और फोर्थ ईयर में मैंने बहुत ही अच्छे मार्क्स से, मैंने आई थिंक मेरे क्लास में सबसे ज़्यादा टॉपर के उसमें मेरा नाम था, मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स, अराउंड 80% मार्क्स थे मेरे, जो कि फाइन आर्ट में एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज होता है, क्योंकि इसमें 60 या 70 ही मिनिमम रहते हैं फर्स्ट डिवीज़न में। फिर हुआ कि हमारे डिसाइड नहीं था, फैमिली वाले थे कि भाई 4 साल लड़की बाहर अकेले रह रही है, फिर हुआ कि मास्टर्स नहीं करेंगे, जैसे मुझे वहाँ रहने के बाद पता चला कि मास्टर्स करना इसमें ज़रूरी है, बैचलर के बाद इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, एटलीस्ट आप PG हो जाओगे तो स्कोप बहुत है टीचिंग में भी या हर लाइन में। फिर मैंने मास्टर्स के लिए ज्वाइन किया, अप्लाई किया, उसमें मुझे क्रिएटिव पेंटिंग ही चाहिए था और कोई सब्जेक्ट नहीं चाहिए था मुझे लाइक पोर्ट्रेट। तो मास्टर्स होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट पे आपको महारत हासिल करनी है, या एक के अंडर HOD होते हैं हमारे, उसके अंडर हमें काम करना होता है। तो ये फील्ड यहाँ के लिए तो बहुत ही नया था, चाहे मेरे पेरेंट्स के लिए या हजारीबाग की कोई भी जो भी पूछता था। तो फाइन आर्ट में भी हमारा पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट होता है, जैसे हम डॉक्टरेट करने जाते हैं MBBS या इंजीनियरिंग, उसी तरीके से इसकी भी बैचलर डिग्री 4 साल की है, 3 साल की नहीं है, उसके बाद 2 साल का हम मास्टर्स करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके से मतलब ये चलता रहा, मास्टर्स में मैंने काफ़ी अच्छे नंबरों से मतलब बहुत अच्छे, मेरा ड्राइंग पेंटिंग सबको बहुत पसंद आया था, वाइवा जो हुआ था। उसके बाद ही जैसे ही मैंने वहाँ से ख़त्म किया, मुझे ललित कला एकेडमी से ऑफ़र आया था, तो वहाँ मैंने पहले ही अपनी जॉब स्टार्ट की, एज अ समर कैंप ही था वो 2-3 महीने का, बट वो जो पहला चेक मिला था मुझे 9,000 का, तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट थी, क्योंकि फर्स्ट चेक वो मुझे रिसीव हुआ था आफ्टर, क्योंकि मैं साइड बाई साइड क्लासेस वगैरह सिखाने का काम करती थी, क्योंकि मैंने डांस में भी कर रखा था, डांस एकेडमी में सिखाती थी, बट वो चेक मेरा फर्स्ट ही मतलब सैलरी था जो 9,000 का मुझे मिला था समर कैम्प करके। उसके बाद मैंने एकेडमी ऑफ फैशन करियर AIFC में काम किया था एज अ फाइन आर्टिस्ट उसमें फैकल्टी में,
उसके बाद वहाँ से फिर मैंने मास्टर्स के बाद मेरी स्कूल में ज्वाइनिंग हुई, मैंने LPS में जॉब किया है 3 साल 3 साढ़े 3 साल। उसके बाद आफ्टर मैरिज में गुड़गांव चली गई। गुड़गांव में 2-4 महीने के बाद ही मैंने DPS में वैकेंसी निकली थी आर्ट टीचर की, उसमें मैंने अप्लाई किया। फर्स्ट अप्लाई में मेरा हो गया था वहाँ। फिर वहाँ से अभी तक का टाइम है मैं वहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ और आज मैं HOD के पोस्ट पे वहाँ पे काम कर रही हूँ एज अ डिपार्टमेंट हेड। और उसके साथ साथ बीच बीच में मेरी अपनी मैंने कंपनी स्टार्ट करी है। लाइक अभी तो बहुत छोटा है वो, छोटा इन द सेंस कि मैं अपने लेवल पे अपने घर के उसमें ही कर रही हूँ फ्यूजन एंड क्रिएशन, बट मैंने एक नाम दिया है उसको और उसी के थ्रू मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा मेन आगे का मोटो यही है कि मुझे अपने फ्यूजन एंड क्रिएशन का ग्रो करना है। फ्यूजन एंड क्रिएशन का मतलब ही है कि फ्यूजन हर चीज़ का, मीन्स उसमें बच्चों को शिक्षा भी दी जाएगी। लाइक मैं आर्ट, मेरे साथ में अभी फ़िलहाल 100 से 200 पेरेंट्स जुड़े हुए हैं मेरे ग्रुप में फ्यूजन एंड क्रिएशन, जो क्लास बाई क्लास मेरे 3-4 बैचेस घर में चलते हैं जिसमें मैं आर्ट सिखाती हूँ। उसमें स्पेशल चाइल्ड भी हैं, वैसे बच्चों को भी मैं शिक्षा दी जाएगी जो मेंटली थोड़े से चंचल ज़्यादा होते हैं, उनको पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये आर्ट एक ऐसा बहुत अच्छा माध्यम है जिसके थ्रू हम मतलब बहुत अच्छे से बच्चों की डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनका स्किल डेवलप होता है। तो वो मेरी कंटिन्यू 5 साल से मेरी क्लासेस चल रही है और फ्यूजन क्रिएशन को हमेशा मैंने ग्रो किया है। तभी मुझे वोकल फॉर लोकल के बारे में पता चला, तो उसमें मैंने अपने आप को आर्ट एंड कल्चर में नॉमिनेट किया था 2021 में। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था 2021 के नॉमिनेशन में आर्ट एंड कल्चर। उसमें सिलेक्शन इस कैटेगरी में ऐसे होता है कि आप अपने सोसाइटी अपने कल्चर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो, क्योंकि उसका नाम ही है प्रभावशाली महिला 2021। तो इन्फ्लुएंशियल वुमेन में मुझे मिला था 2021 में, क्योंकि मैंने अपने सोसाइटीज़ में अपने उसमें मेरे साथ 30-40 बच्चे हर बैच में, मतलब पूरा मेरा 3-4 बैच चलता है, तो उसमें सीनियर बैच मतलब कोई एज बार नहीं है, उसमें लेडीज़ भी आती हैं, 3 साल के बच्चे भी आते हैं, प्लस 15 साल के बच्चे आते हैं, प्लस 30 साल की भी आती हैं। तो उसमें कोई एज ग्रुप नहीं है, चाहे वो वुमेन हो चाहे जो लेडी बहुत यंग एज में नहीं कर पाई, जिनका हॉबी था ये मेरी तरह ही, वो आगे इस फील्ड को नहीं चुन पाए या उनको नहीं पता था इसके बारे में। बहुत लोगों को आज भी नॉलेज नहीं है फाइन आर्टिस्ट के बारे में, मुझे नहीं लगता है कि फाइन आर्ट के बारे में ये भी नहीं पता लोगों को। इसमें बहुत सारे कम से कम 6-7 डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो मैंने फाइन आर्ट से किया है, कमर्शियल अलग होता है, फोटोग्राफी अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से मुझे भी नॉलेज होता गया। स्कूल में मेरा काम अच्छा चल ही रहा था, बट एकेडमी जो मेरी है मुझे उसको ग्रो करना है और मुझे इन फ्यूचर एक अब बहुत अच्छा स्टूडियो अपना बनाना है काफ़ी लार्ज लेवल पे, जिसके अंडर कई लोग, और उसमें मैं लेडीज़ को ही काम कराऊंगी, चाहे मेरी मेड हो, दीदियाँ जो घर में काम करती हैं उनको, मैं सबको मतलब उस काम में लगाना चाहती हूँ। क्योंकि मेरा होम डेकोर का भी करती हूँ, फ्रीलांस का वर्क भी करती हूँ, कैनवस पेंटिंग्स, पोर्ट्रेट ऑर्डर, गिफ्ट के लिए रिटर्न गिफ्ट, जितने भी आइटम्स हैं आर्ट से रिलेटेड वो सारा काम होता है लाइव, जिसको सीखना है फाइन आर्ट का। और इन फ्यूचर मैं कहीं से रजिस्ट्री करवा के भी मैं पूरा प्रॉपर उनको एटलीस्ट डिप्लोमा का तो दूंगी कि फाइन आर्ट में आप यहाँ से क्वालिफाइड हो फाइन आर्ट के। तो इस तरीके से ये जर्नी बहुत ही ऊपर नीचे ऐसे रहा है, लेकिन मेरी फैमिली का हमेशा सपोर्ट रहा है बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत छोटे से मैरिड हूँ। कब आपकी हस्बैंड, कब आपकी शादी हुई थी? मेरी शादी 2016 में हुई है। अच्छा, मैंने आपके मन एक तरह समझ लीजिए कि आपके पति का भी फुल सपोर्ट रहा है। फुल सपोर्ट रहा है मेरे पति का, मेरे हस्बैंड का, मेरा भाई साथ में रहता है, मेरी फैमिली, मेरी दीदी, मेरे मतलब हर लोग, मेरी पूरी फैमिली। फिलहाल मैंने नैहर में रह कर ही टोटल नहीं, मैं ससुराल में भी रहती हूँ। ससुराल नैहर में आना जाना, ससुराल नैहर यहाँ पर, ससुराल भी यही है। अच्छा, मैंने आना जाना रेगुलर होते रहता है और दोनों परिवारों का सपोर्ट मिला जिसका अभी तक। मेरे इन लॉज ने भी पूरा सपोर्ट किया हमेशा, उनको भी बहुत प्राउड होता है कि मेरी बहू मतलब इतना अच्छा काम करती है। उनको भी होता है कि एक मेरी पेंटिंग भी बना दो, तो उनको भी बहुत मतलब रहा है। तभी भी उन्होंने भी मुझे किसी चीज़ के लिए आगे का क्या मोटो है आपका? आगे का मेरा यही है कि मेरी कंपनी मुझे डेवलप करनी है फ्यूजन एंड क्रिएशन, जो अभी भी फेसबुक यूट्यूब हर जगह है, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो तो वो नाम दिख जाएगा आपको। तो उसके साथ मैं बच्चों को क्लासेस देती हूँ, क्योंकि क्लासेस मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनसे मुझे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। प्लस मुझे मतलब अपने अपने साथ कई लेडीज़ों को जोड़ना है, क्योंकि इस कंपनी को बढ़ाने के अकेले तो पॉसिबल नहीं है, हमेशा टीम वर्क ही काम करता है। टीम वर्क में चाहे मैं वो अपने फादर को बना दूँ कोई एक दे के एज अ CEO या डायरेक्टर जो भी बना करके मैं एक दे दूँ, चाहे मैं अपने फादर इन लॉ को दे दूँ,
मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड खुद ही आईटी प्रोफेशनल हैं, तो उनका तो खुद ही बिजी हैं। बट मेरा आगे का ये है कि मुझे सबका सपोर्ट है और मुझे मतलब लगता है कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सपोर्ट इतना ज़्यादा है तो मैं इसे कैसा लग रहा है ये एग्जाम जो आप निकाल रही हैं, इस एग्जाम निकालने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं मतलब इस फील्ड मेरे लिए बहुत नया था और बहुत पूरे सबके लिए नहीं आता। मैं यहाँ हजारीबाग में भी मैं इसलिए इस चीज़ को मतलब इतना आगे लेके जा रही हूँ कि फाइन आर्ट भी एक ऐसा बहुत अच्छा मीडियम है, और इसमें ऐसा नहीं सोच के हम जा सकते कि हमें कॉलेज से डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं है। और ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, ऐसा भी सोच के नहीं कि भाई गवर्नमेंट में हो गया है हमारा तो पैसे कम लगेंगे। आगे आपकी क्या इच्छा है? आगे मेरी तो मतलब अभी तो मैं अपने कंपनी को ही ग्रो कर रही हूँ, प्लस मैं DPS में काम कर रही हूँ, वो भी एक बहुत अच्छा बड़ा ब्रांड है, तो उसके साथ भी जुड़ के मुझे वहां भी बहुत ज्यादा मिला है सपोर्ट हर चीज का। हाँ, परिवारों का सपोर्ट मिला जिस कारण पूरा अभी तक पूरा मेरे इस मुकाम इन-लॉज इन-लॉज ने भी पूरा सपोर्ट किया हमेशा, उनको भी बहुत प्राउड होता है कि मेरी बहू मतलब इतना अच्छा काम करती है, उनको भी होता है कि एक मेरी पेंटिंग भी बना दो, तो उनको भी बहुत मतलब रहा है, तभी भी उन्होंने भी मुझे किसी चीज के आगे लिए का नहीं क्या रखा। मोटिव है आपका? आगे का मेरा यही है कि मेरी कंपनी मुझे डेवलप करनी है, फ्यूजन एजुकेशन, जो अभी भी फेसबुक यूट्यूब हर जगह है, गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो तो वो नाम दिख जाएगा आपको। तो उसके साथ मैं बच्चों को क्लासेस देती हूँ, क्योंकि क्लासेस में नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उनसे मुझे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, प्लस मुझे मतलब अपने साथ कई लेडीज़ों को जोड़ना है, क्योंकि इस कंपनी को बढ़ाने के अकेले तो पॉसिबल नहीं है, हमेशा टीम वर्क ही काम करता है। टीम वर्क में चाहे मैं वो अपने फादर को बना दूँ कोई एक दे के एज अ CEO या डायरेक्टर, जो भी बना करके मैं एक दे दूँ, चाहे मैं अपने फादर इन लॉ को दे दूँ। मेरे हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड खुद ही आईटी प्रोफेशनल हैं, तो उनका तो खुद ही बिजी हैं। बट मेरा आगे का ये है कि मुझे सबका सपोर्ट है और मुझे मतलब लगता है कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे सपोर्ट इतना ज़्यादा है तो मैं इसे उनका कैसा लग रहा है सपोर्ट ये एग्जाम जो करूँगी। आप निकाल रही हैं, इस एग्जाम निकालने के बाद कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, क्योंकि मैं मतलब इस फील्ड मेरे लिए बहुत नया था और बहुत पूरे सबके लिए नहीं आता। मैं यहाँ हजारीबाग में भी मैं इसलिए इस चीज़ को मतलब इतना आगे लेके जा रही हूँ कि फाइन आर्ट भी एक ऐसा बहुत अच्छा मीडियम है, और इसमें ऐसा नहीं सोच के हम जा सकते कि हमें कॉलेज से डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, नहीं है, वो बिल्कुल ही नहीं है। और ये बहुत एक्सपेंसिव कोर्स है, ऐसा भी सोच के नहीं कि भाई गवर्नमेंट में हो गया है हमारा तो पैसे कम लगेंगे। आगे आपकी क्या इच्छा है? आगे मेरी तो मतलब अभी तो मैं अपने कंपनी को ही ग्रो कर रही हूँ, प्लस मैं DPS में काम कर रही हूँ, वो भी एक बहुत अच्छा बड़ा ब्रांड है, तो उसके साथ भी जुड़ के मुझे वहाँ भी बहुत ज़्यादा मिला है सपोर्ट हर चीज़ का, इनक्रेजमेंट बहुत मिलती है कि आगे बढ़ो जितना भी करना है, ये सब चीज़ वो वहाँ भी नोट करते हैं, CBSE में डालते हैं हमारा, कि अगर किसी टीचर को कोई अवार्ड मिला है तो वो भी वहाँ पर वो मेंशन करते हैं। तो इन फ्यूचर तो मेरा मतलब टचवुड अगर बहुत अच्छा होता है तो मैं फिर से एक इंटरव्यू यहाँ पे आके दूंगी कि हाँ मैंने अचीवमेंट वो चीज़ कर लिया है हासिल, क्योंकि फ्यूजन एंड क्रिएशन मैं देखना चाहती हूँ, चाहे बाहर से ऑर्डर आए और वो कंपनी को मतलब सब जाने। एक मैं अपना वेबसाइट खुद का बनाऊंगी जिसमें मैं सारी चीज़ें खुद का सेल आउट कर सकूँ, मतलब मेरी खुद की कंपनी हो और खुद का साइट भी हो यह जिसपे सब पीछा लोग, यह ये पीछा मेरी इच्छा है, स्टूडियो हो मेरा। तो चलिए फिलहाल इनसे हम लोगों ने जाना कि क्या कुछ इनकी दिलो इच्छा है और क्या कुछ इनकी पारिवारिक सपोर्ट रही जिनको लेकर ये यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं खबरें हजारीबाग से सोनू केसरी।